think we are we live? Yes. It is 5:56. Hi everybody, I'm just arranging things here. मेरे हाथ में एक मोबाइल है जिसमें मैं देख रहा हूँ खुद को और सामने से मेरा लाइव हो रहा है एंड Another few minutes, we will start. So I think I'll speak like this. मैं अभी सिर्फ मोबाइल चेक कर रहा हूँ कि तो I got two mobiles. One is where I'm checking myself here, and one is where I'm going to speak. मैं सामने देख के बात करूँगा. तो इसमें हल्का सा difference आ रहा है for some time. So streaming. So we have some people. Okay, चलो कोई तो है. अभी we have some people who are there जो आ गए हैं. And all set. ये work from home का बड़ा चक्कर है यार. वो you have to tell everybody at home. भाई disturb नहीं करना आधा एक घंटा अभी. जब मालूम पड़े कोई knock करता है चाय पी लो. So things like that happen. कभी भी आप वीडियो बनाओ ना अपना ऐसी by before we start ऐसी बोल रहा हूँ आप लोगों से कभी वीडियो बनाओ घर में तो इंश्योर करो कि पीछे बैकग्राउंड में दीवार होनी चाहिए सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग सिचुएशन. एक ऐसी मैं आपको राय दे रहा हूँ. मालूम पड़ा पीछे का एरिया पूरा खुला हुआ है ना तो काफ़ी आइटम लोग घूम सकते हैं ऐसी घर में. People coming in, थोड़े लोग आ रहे हैं. Another couple of minutes and we will start in a couple of minutes. So, I think Rachna is behind the camera and you are able to see comments. People are saying namaste. नहीं यहाँ इसमें comments तो मुझे Akshay More saying namaste. अच्छा नहीं इसमें मुझे दिख नहीं रहे हैं. I think या तो फिर मेरे ही कैमरे में जिससे लाइव हो रहा है उसी में दिख रहे होंगे. अरे नमस्ते एवरीबडी. आई एम सॉरी मेरे ये जो इस फोन में मेरे को तो आपके कमेंट्स दिख ही नहीं रहे बट आई बिलीव रचना कि वो कमेंट्स आप लोग कर रहे हो. आई बिलीव दैट आप लोग हो मेरे साथ. सो वी आर ठीक है. नंबर इज इंक्रीजिंग. अनदर वन मिनट टू गो एंड वी विल स्टार्ट. वॉइस इज लो संदीप सिंह. वॉइस इज लो ठीक है. मैं अभी चालू नहीं किया संदीप वेरी बट थैंक यू फॉर गिविंग दैट. मैंने माइक भी नहीं पहना है तो आई थिंक मैं अपनी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाऊंगा. आई हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड अभी ठीक है. माइक टेस्टिंग 1 2 3 4. हाँ थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ. ठीक है. आई थिंक दैट्स हाउ इट इज. सो अनदर अरे मैं तो सोचा था इसमें कमेंट्स देखूँ. कमेंट्स ही नहीं आ रहे इसमें. एनीवेज दैट्स द रीजन व्हाई आई हैड दिस. Ask okay. Everybody, are you able to listen? Are you able to listen to my voice now? Maybe we can have the fan on the. I do soundproofing karata hu apne aap. Theek hai sir, chalu karte hain. 6 baj gaye. Shall we start? Okay, namaste everybody. And happy to see you all. I am not able to see you and the comments. आपके comments क्या हैं और आप हो कि नहीं क्योंकि मुझे ऐसा suggestion मिला कि आप जो है ये selfie mode में ना करिए recording या streaming. So here I am sitting in front of the camera and you all are there on that other side. So ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब अच्छी health में होंगे और सब physically fit होंगे, mentally strong होंगे और emotionally तो super fine होंगे, super fit होंगे. So with this I welcome you for this live streaming on Facebook. I have been on YouTube for last many days और बहुत सारे इसमें videos बनाए हैं. उसका हल्का जिक्र करूँगा मैं, बात करूँगा उसमें. लेकिन ये video खास बनाए हैं उन लोगों के लिए जो शायद YouTube में नहीं हैं या फिर जो लोग Facebook में मुझे चाहते हैं कि मैं आऊँ. तो मैंने सोचा चलो Facebook आज Facebook ही सही. एंड आज का सब्जेक्ट अच्छा है एंड द होल आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर टूडे और इस सिचुएशन में जो ये माहौल है जो ये पूरा सिचुएशन चल रही है पिछले इतने दिनों से
तो क्या वो एक चीज है जो हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए? What is that one thing which should be our topmost priority now, keeping in mind the current scenario, personally, financially, emotionally, business wise, you know, health wise, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या करें which, और हम कहाँ फोकस करें? What should we be thinking on? So, बहुत सारे questions आए मुझे, and some are based on business, some are based on life, and some are based on the emotional side. तो उन सबको समझा तो मैंने कहा let me come out with something which is going to be simple yet very impactful and meaningful. So here it is, the subject for today, that what is that single most priority which we should focus on now? I'm saying now, tomorrow can be different, day after tomorrow can be very different, after 15 days it can be all the more very different. तो आज के समय हमें क्या करना है? और मैं जिस क्लैरिटी से आपसे बात कर रहा हूँ कि आज के समय क्या करना है, उतनी क्लैरिटी मैं रखता हूं कि ये आज बदल जाएगा कल, तो कल शायद प्रायोरिटी कुछ और होगी. तो मेरी उस बात को उस क्लैरिटी से आप सुनना कि दिस क्लैरिटी ऑफ टुडे कैन चेंज टुमारो. बहुत साल पहले अमेरिका में दीपक चोपड़ा, जो वहां के बड़े अच्छे स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, उन्होंने एक रिसर्च कराया. और उस रिसर्च में उन्होंने अपने कुछ वॉलंटियर्स, उनके कुछ स्टूडेंट्स या फिर उनके कुछ टीम मेंबर्स उनको भेजा होगा, एंड दे वेंट अक्रॉस वेरियस सिटीज एंड यू नो स्टेट्स इन अमेरिका, मे बी दे वेंट आउटसाइड अमेरिका आल्सो. तो उन्होंने ये रिसर्च करनी चाही, दीपक चोपड़ा जी ने, कि क्या वो चीज़ है जो लोगों के मन में रहती है, व्हाट इज दैट थिंग व्हिच कीप ऑन थिंकिंग, वो सोचते रहते हैं ज़्यादातर समय, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उनके मन में क्या बात रहती है. तो वो सब गए और उनके क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को लेके सब लोगों के पास गए, एंड देन दे केम बैक विद देयर एनालिसिस विद देयर सॉरी विद देयर रिपोर्ट्स. और उस रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया गया, तो उसमें निकला, उस रिपोर्ट में निकला कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उनके मन में एक बात रहती है कि मेरी वेलबींग का क्या होगा. दे आर मोर थिंकिंग अबाउट द वेलबींग, दे आर कंसर्न अबाउट द वेलबींग. तो ये लोगों के मन में बात हमेशा रहती है कि मेरी वेलबींग क्या है, ऐसा उस रिसर्च में आया, रिपोर्ट में आया. मैंने भी ये पढ़ी ये रिपोर्ट, मुझे भी मालूम पड़ा इसके बारे में. तो मैंने कहा ये तो भाई बड़ी, इट्स नॉट दैट पीपल आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स नॉट दैट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू नो अचीविंग बिग गोल्स इन देयर लाइव्स. सो बड़े आश्चर्य की बात है कि पीपल आर थिंकिंग मोर अबाउट द वेलबींग, कि उनकी लाइफ की वेलबींग वो. तो फिर मैंने कहा वेलबींग क्या है, तो वेलबींग को जरा समझा जाए, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश वर्ड और थॉट प्रोसेस जो है वो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, तो इसका हम हाउ डू वी मेक इट सिंपल. तो वेल का मतलब अच्छा और बींग का मतलब होना, एक होने की अवस्था. तो हम जो हमारी अवस्था है वो अच्छी रहे, दिस इज कॉल्ड वेल बींग. तो इसका मतलब है कि अक्सर लोग या ज्यादातर लोग ज्यादातर समय उनके मन में रहता है कि हम अच्छे रहें, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, हमारी वेलबींग अच्छी रहे, मतलब वी शुड बी इन अ गुड स्टेट ऑफ वेलबींग. तो ये रिसर्च में पाया गया. द मोर आई थॉट अबाउट इट, द मोर आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, द मोर आई स्टार्टेड कॉन्टेम्प्लेटिंग अबाउट इट, कि वेलबींग है क्या. तो वेलबींग के बारे में जब मैं जितना अंदर गया कि हमें अच्छा कब लगता है, हमें अच्छा कब फील होता है, हमें अपने होने पर ऐसा कभी ऐसा हम डरते नहीं हैं या हम रिलैक्स रहते हैं, काम रहते हैं, ये कब होता है, ये किसी एक चीज से हो सकता है क्या, किसी दूसरी चीज से हो सकता है क्या. एंड द मोर आई थॉट अबाउट इट, द मोर आई रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वन और टू फैक्टर्स, इट्स अ रिजल्ट ऑफ क्वाइट अ फ्यू फैक्टर्स. ये दो तीन चार चीजों से नहीं, काफी चीजों से मिलकर वेलबींग आती है. तो उसको फिर मैंने पकड़ा और मैंने कहा और सिंप्लीफाई करते हैं. सो आई केम आउट विद अ फ्यू पॉइंटर्स जो आपके सामने रखूंगा, विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इनका ध्यान रखा तो शायद हम एक वेलबींग की स्टेज में या अवस्था में रहेंगे ज्यादातर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वेलबींग, व्हाट मेक्स आर वेलबींग. तो पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि पीपल हु हैव अ ह्यूज हैबिट और अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ एक्सेप्टेंस, कि उनको एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाता है, जो चीज उनके साथ हो रही है या जो चीज उनके साथ हो चुकी है, जिन लोगों को उस चीज का एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो जाता है, दे आर एबल टू मूव टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ वेलबींग. कि
उन्होंने स्वीकार लिया कि ये हो चुका है. सो दे एक्सेप्ट देयर पास्ट एंड दे एक्सेप्ट देयर प्रेजेंट एज सून एज पॉसिबल. बिकॉज द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि आप पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते और आप प्रेजेंट जो हो रहा है आपके साथ आप उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यू आर देयर लिसनिंग टू मी, दैट्स योर प्रेजेंट एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू कैन डू समथिंग इन द फ्यूचर बट इन द प्रेजेंट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. और जो पास्ट है उसके बारे में आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते. तो बहुत से लोग जो है वो पास्ट में अटके रहते हैं, बहुत से लोग जो है पास्ट में खोए रहते हैं. एंड एज अ रिजल्ट व्हेन दे आर मोर इन द पास्ट सो दे हैव मोर और लेस टू थिंग्स मोर इन लाइफ. वन, दे माइट हैव मोर रिग्रेट्स बिकॉज वो पास्ट में है. और जब रिग्रेट्स होता है तो फिर वेलबींग कहां से होगा? फिर अच्छा आप कैसे फील करोगे? एक आपकी होने की अवस्था अच्छी कैसे होगी? बिकॉज आपकी तो रिग्रेट्स की दुकान खुली है और कुछ लोगों की तो होलसेल में खुली है. अच्छा, मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि रिग्रेट्स लोग इतना रखते हैं. बिकॉज मे बी बाई नेचर आई हैड नॉट बीन वन जो रिग्रेट्स रखता हो. मैंने कभी अफसोस नहीं किया. मैंने अपना घर छोड़ा वे बैक इन 1994. आई लेफ्ट अ ग्रेट बिजनेस एंड आई केम टू दिस वंडरफुल सिटी. खाली हाथ आया था विद नथिंग. तो वो जो छोड़ के आया तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं बहुत कुछ छोड़ के आया. मेरे रिग्रेट्स नहीं. मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे एहसास कराया, कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ दोस्तों ने, अरे तू इतना सब छोड़ के आया, यू हैड अ वंडरफुल रेस्टोरेंट देयर, यू आर डूइंग सो ऑसमली वेल, कम्फर्ट था, लग्जरी था. तो मुझे या तो नादानी थी या समझ नहीं थी या बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ना कुछ लोगों का बाय डिज़ाइन वो डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट से होता है. तो शायद मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट रिग्रेट की दुकान का कुछ चक्कर ही नहीं था. तो आई नेवर रिग्रेटेड लीविंग माय प्लेस. इन आई जस्ट गॉट अ पिक्चर दिस ईयर बैक फ्रॉम अ क्रिसेलिन फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो नैनीताल गया और उसने मेरे जो मेरा घर है जहाँ था जो मेरा रेस्टोरेंट था उसकी फोटो खींची और उसने लिखा अनिल चोंडे नाम द नेम ऑफ द क्रिसेलिन और उसने लिखा मुझे कि सर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी छोड़ के नहीं आता ये जगह, आप कैसे छोड़ के आ गए. तो मैंने वो पढ़ा तो मुझे कुछ देर के लगा, मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है. फिर मुझे लगा ये मुझे रिग्रेट कराने की पूरी इसकी पूरी साजिश है. आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट. आई केम हियर एंड आई गॉट सो मेनी वंडरफुल थिंग्स. यस, दैट वाज आल्सो वंडरफुल एंड दिस आल्सो वंडरफुल. तो कुछ लोगों का रिग्रेट का दुकान खुला होता है. 2001 की बात है. I was called to speak to a few teachers who were learning to train some students on the language part. वो English सिखाने के लिए teachers train हो रहे थे. तो उनका सब technical training हो गया and that institute they called me for giving some insights on how to be a good speaker and things like that. मेरे formative years थे, 3-4 साल ही मुझे हुए थे training में आए हुए. तो मैं गया and there were 7-8 people sitting in front. और मुझे बड़े अच्छी तरह याद है because वो मेरे जिंदगी के कुछ अर्ली असाइनमेंट्स थे एंड अर्ली असाइनमेंट्स बड़े याद रहते हैं. तो मेरे सामने ऐसे 8-10 लोग बैठे हुए एंड देवर सीजन गाइस. मैं 2001 में आई वॉज वॉट 30 ईयर्स ऑफ एज. मैं 30 साल का और ये लोग जो बैठे थे मेरे सामने देवर 50-55 एंड देवर नॉट फ्रॉम द इंग्लिश टीचिंग बैकग्राउंड. ये लोग कोई फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वहाँ से रिटायर हो गए, कोई अच्छी जॉब में थे या फिर कोई अभी घर में है और मे बी सम लेडी हु इज टेकन अ सबैटिकल एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू कम बैक अगेन. तो ये ऐसे लोग बैठे हुए थे एंड आई वॉज स्पीकिंग अबाउट वॉट आई हैव फेल्ट कैन मेक देम अ गुड स्पीकर एंड अ गुड ट्रेनर. तो मेरा टॉक खत्म हुआ आधे पौन घंटे के बाद एंड वहाँ से फिर एंड दे ऑल मेट मी. तो उसमें से एक इंसान उठे, सीजन मैन 55-60 ईयर्स ऑफ एज. तो मेरे से तो डबल एज के थे. तो मेरे पास आए, बोले अरे मनीष आई लिसनिंग टू यू, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा ना अपनी लाइफ का कि मैंने कुछ नहीं किया. एंड आई नेवर एंड ही वेंट ऑन स्पीकिंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स की I should have done this and I should have done that. तो मुझे अंदर से एकदम इतना फ्लो फील हुआ. मैंने कहा मैं तो इनको मोटिवेट करना आया था, ये तो बेचारे डिमोटिवेट हो गए मेरी बात सुन के. तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि लोग रिग्रेट में जाके कैसे अच्छी चीज को भी खोने को तैयार बैठे हुए थे. सो इतना अच्छा टॉक हुआ, आई फेल्ट एवरीबडी वॉज हैप्पी एंड हियर ही वेंट इनटू रिग्रेट कि अरे मैंने ये नहीं किया. सो एक्सेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड मेक सो मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस. आई एम हैप्पी दैट मेनी पीपल पिक्ड इट अप. पिछले 10-12 सालों में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जुड़े मेरे साथ, बहुत से लोग जुड़े एंड बहुत से लोगों ने बहुत ज़िंदगी जी पिछले इतने सालों में. तो कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई बाइकिंग कर रहा है, यू नो कोई फैमिली को टाइम दे रहा है, कोई यू नो पैराग्लाइडिंग कर रहा है. सो ये सब चीज़ हो रही है एंड आई फील अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप
किसी के साथ खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है यार अच्छा हुआ सब कर लिया. वी डोंट नो हाउ लाइफ विल अनफोल्ड इन द फ्यूचर. नॉट दैट अभी डूम्सडे आने वाला है या बहुत कुछ बुरा होने वाला है, बट आई फील रिग्रेट तो नहीं है ना, इतना सब हुआ. तो ये जो एक्सेप्ट, जो हो गया वो हो गया, बट जो नहीं हुआ उसको रिग्रेट नहीं करो. इट्स ओके, नाउ वी स्टिल हैव टाइम, वी विल डू इट. सेकेंड पार्ट, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने पास्ट को, तो या तो जो उनके साथ वो करने से चूक गए उससे रिग्रेट होता है, और कुछ लोग जो है कुछ करते हैं और वो गलत हो जाता है. नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइट, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू गो द वे यू प्लान्ड. कुछ आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, कुछ आपके एक्शंस गलत हो सकते हैं, कुछ आपकी सोच गलत हो सकती है, और उस सोच या एक्शंस या डिसीजंस गलत होने से आपको कोई नुकसान होता है या आपकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान होता है. तो यू गॉट टू लर्न फ्रॉम इट एंड लीव इट देयर. लेकिन कुछ लोग गिल्ट की दुकान लेके आ जाते हैं, ग्लानी की दुकान लेके आते हैं, और ये दोनों बड़े भयंकर कॉम्बिनेशन है, रिग्रेट एंड गिल्ट. कि कुछ लोगों को रिग्रेट है, कुछ लोगों को गिल्ट है, और कुछ लोगों को तो होलसेल में दोनों का कॉम्बिनेशन है. दे रिग्रेट ऑल्सो अलॉट एंड दे हैव गिल्ट ऑल्सो. सो बहुत सारी मदर्स हैं जिनको गिल्ट है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई. इट्स ओके, आपके पास जो सुविधा थी आपने कर ली ना, जो साधन थे आपने कर लिए. मेरी माँ तो कभी बहुत बार गिल्ट में चली जाती है जब शी सीज द मॉडर्न डे पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड शी सीज, अरे हमने तो तुम्हें ऐसी पाल लिया, हमें तो मालूम नहीं पड़ा. मतलब माँ छोड़ो ना, अभी हट्टे कट्टे आपके सामने बढ़िया बच्चे खड़े हो गए और क्या चाहिए, एंड यू हैव डन वेल. सो इट टेक्स टाइम फॉर अस टू मेक हर अंडरस्टैंड बाई एवरीथिंग वॉज ओके, डोंट वरी अबाउट इट. बट वो माँ है ना, उनका दिल होता है कि अच्छा ये भी कर सकती थी, वो भी कर सकती थी. तो गिल्ट में ना जाए और ना रिग्रेट में जाए. So this will come from acceptance. This is the first part of you being on the pathway of well-being. अब थोड़े से volume और बढ़ाएंगे. Okay, I need to I got a feedback that I need to improve increase my volume. और नज़दीक आऊँ क्या? Okay. Is my volume now audible? Is it audible now? अभी कैसी है? You can just, and Rachna is going to give me a feedback about the volume side. Any insights, inputs, same hai? You can continue. Okay. So this is the first part of in terms of the well-being side. Ki aapko well-being mein kaise jana? You have to have acceptance. Second is the understanding that I should not be soaked in debt. Bahut sare logon ka zindagi jo hai, financially, I'm saying financially, They are soaked in debt. मतलब जैसे ना बाल्टी से आप कोई कपड़ा निकालते हो तो उसमें से पानी टप 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 कर रहा है, वो सोक कर रहा है. तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चलते हैं तो उनके टपक रहा है डेट, कि इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है, यू नो वो मकान का EMI है, वो ऑफिस में CC लिमिट हमने पूरा कर दिया है, बैंक का लोन देना है, मार्केट से उधारी ली हुई है उसका पैसा देना है. अरे दिस डेट ऑन योर माइंड इज अ ह्यूज बर्डन, ह्यूज लोड, एंड ये आपकी वेलबींग का जो है ना काफी अच्छा पार्ट खींच लेता है. So those who are under debt financially, they will not experience well-being. Somewhere they will have this pressure. अच्छा मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनकी चमड़ी पतली है ना. कुछ लोगों की चमड़ी मोटी होती है ना, कि वो कितना भी डेट ले लो उनको असर नहीं होता. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. और जो सुन रहे हैं मुझे लगता है कि आप उन लोगों में से हुए हैं जिनकी चमड़ी पतली है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गाइज हू हैव रन अवे फ्रॉम द कंट्री एंड दे आर थिक स्किन्ड एंड दे आर नॉट वरीड अबाउट इट. आई एम सेइंग एक वो इंसान जिसने लोन लिया हुआ बैंक से या किसी और से, एजेंसी से, एंड उसको रिपे करना है हर महीने का, तो उसको लोड है और उसकी वेलबींग जो है ना उस चक्कर में नहीं आ पा रही. तो उतना ही लोन लो, उतना ही लोड लो जितना आप सर्विस कर पाओ, जितना आप ध्यान रखो. तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी इन लाइफ, बट आई एम सेइंग यू शुड नॉट हैव अ लाइफ विच इज लेड आउट ऑफ डेट. उधारी की जिंदगी तो नहीं निकालो यार, वेलबींग नहीं आएगी. Then another aspect which takes away your well-being is कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं, कुछ चंद लोगों से जो उनकी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों के रिश्ते जो उनके खास रिश्ते हैं, वो रिश्ते जो है वेंटिलेटर पे, तो वो रिश्तों में दम नहीं है, वो रिश्ते मतलब सूख रहे हैं, वो रिश्ते बेजान हो रहे हैं. तो कुछ रिश्ते, आई एम नॉट सेइंग मैनी, बट कुछ खास होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं, अगर वो वेंटिलेटर पे हैं या उन रिश्तों में दम नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वेलबींग जो है आपकी मात खाएगी. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रूव.
आप देखो ना, पूछो किसी से कि अगर उसकी लाइफ में एक रिश्ता है जो बड़ा मायने रखता है और अगर वो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो आप देखो कि वो इंसान अपने आप को एक अच्छा स्टेट ऑफ वेलबींग में नहीं मानेगा, बिकॉज दैट रिलेशन मीन्स टू अलॉट टू हिम. दैट रिलेशनशिप कैन बी विद हिज सन, विद हिज डॉटर, विद हिज स्पाउस, विद हिज पेरेंट्स. वो चंद चार पांच इनर सर्कल के लोग हैं और उसमें वो रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है. तो अपने कुछ रिश्तों को, दुनिया भर के रिश्ते ना चले चलेगा, लेकिन जो आपके चंद रिश्ते हैं जिनको आप बड़ा करीबी मानते हो, उन रिश्तों में तो वेंटिलेटर नहीं आना चाहिए. दे शुड बी हेल्दी, उनके मतलब लंग्स एकदम बढ़िया होने चाहिए, एकदम स्टैमिना अच्छा होना चाहिए. उन रिश्तों में आप भाग पाओ, आप उनके साथ लंबे समय तक चल पाओ, दैट्स वॉट दैट रिलेशनशिप शुड बी लाइक. तो उसमें फिर एक वेलबींग आती है. तो अभी हमने समझा, इट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, इट कम्स फ्रॉम यू हैविंग अ डेट फ्री लाइफ, इट कम्स फ्रॉम यू हैविंग रिलेशनशिप्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल, विच आर अ फ्यू. नाउ कम्स द 3C पार्ट, CCC. मैं इसलिए आपको ये एब्रीविएशन दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप, इफ यू कैन होल्ड ऑन टू द अल्फाबेट्स, इट विल मेक, इट विल बी इजी फॉर यू. द फर्स्ट सी इज द सी ऑफ कॉन्फिडेंस, द सेकेंड सी इज द सी ऑफ कैरेक्टर, एंड द थर्ड सी इज द सी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. 3C. तो अगर आप अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हो, अगर आप अपने काबिलियतों को लेके आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप अपने आप को, अपनी लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो फिर आपका एक स्टेट ऑफ वेलबींग ऊपर जाएगा. जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, फिर उसके पास पैसा भी होना तो, उसका रिश्ता भी होना तो, उसके पास यू नो पास्ट का भी अगर वो एक्सेप्टेंस भी लेके आएगा, लेकिन उसका वेलबींग वो क्वालिटी का नहीं आएगा जो होना चाहिए. द सेकेंड पार्ट इज द सेकेंड सी इज द सी ऑफ कैरेक्टर. यू शुड हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. कि और अच्छा, ये कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है, इट्स बेस्ड ऑन मेनी अदर थिंग्स, बट इफ यू वुड टू सी, अगर आप अपने आपको डेवलप कर रहे हो, कोई काबिलियत आ गई आपके पास, आपके पास कुछ हुनर आ गया, आपके पास कुछ कौशल आ गया, आपने कुछ उससे अचीव कर लिया, आपने एक बिहेवियर के रूप में उसको जताया, दिखाया, तो यू विल सी दैट यू विल हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. तो अगर मैं और डिफाइन करूं, कैरेक्टर कम्स फ्रॉम आपको क्या आता है, सेकेंड इन टर्म्स ऑफ आपको क्या कार्य आता है, एक तो नॉलेज आपको क्या है, आपको क्या काम आता है, और तीसरा आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप किन सिद्धांतों पर जीते हो, किन वैल्यूज पे आप काम करते हो. अगर ये तीनों चीज का अच्छा संगम है, योर कैरेक्टर इज गोइंग टू बी स्ट्रांग. कैरेक्टर मतलब एक चरित्र, एक बिहेवियर. तो बिहेवियर विल कम फ्रॉम योर थॉट, बिहेवियर विल कम फ्रॉम योर एक्शंस, एंड बिहेवियर विल कम फ्रॉम अ वैल्यू सिस्टम विच यू हैव. क्या आपकी वैल्यू सिस्टम, तो विचार से आपके शब्द बनेंगे, कर्म से आपका बिहेवियर लोगों को दिखाई देगा, और वैल्यू जो है उन कर्मों को डिफाइन करेगा. अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, यू हैव अ ग्रेट कैरेक्टर. तो जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, जिसका कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, और थर्ड है कि जिसने कंट्रीब्यूट करने की आदत डाली होती है समाज में, लोगों के प्रति, आसपास की जिंदगी में, चाहे वो नेचर के प्रति हो, यू नो पेड़ पौधों की तरफ हो, पशु यू नो एनिमल्स की तरफ हो, ह्यूमन बींग्स के प्रति हो, किसी भी एरिया में उसने कंट्रीब्यूट करा हो, मतलब अपने से ऊपर जिंदगी जिए. ही इज लिव्ड अ लाइफ विच इज बियॉन्ड हिम, ही इज लिव्ड अ लाइफ विच इज मोर देन हिम. उसने सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं जी, उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए जिंदगी नहीं जी, उसने सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदगी नहीं जी, उसने सिर्फ अपने घर के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए जिंदगी नहीं जी, उसने अपने से ऊपर उठ के जिंदगी जी. तो इसका मतलब उसके पास कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर है. तो अगर आप देखोगे ये आस्पेक्ट्स का, मैंने अभी तक बात करी है एक्सेप्टेंस की, जो हो गया हो गया, दैट हैज टू बी देयर फॉर अ स्टेज ऑफ वेलबींग. सेकेंड हमने कहा दैट यू शुड बी डेट फ्री. थर्ड हमने बात करी दैट आपके रिलेशनशिप वेंटिलेटर में नहीं होने चाहिए. फोर्थ हमने बात करी यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. वी आर नॉट सेइंग हाउ मच यू कैन डू कंपेयर टू अदर्स, आप अपने बारे में क्या फील करते हो. देन वी स्पोक अबाउट कैरेक्टर. कैरेक्टर कम्स फ्रॉम आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हो, और आपके वैल्यू सिस्टम क्या है. एंड देन वी वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड कि आप कॉन्ट्रीब्यूट क्या कर सकते हो समाज में. मैं उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ चीज़ों, बिकॉज टाइम उतना नहीं होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ वॉट इज वेलबींग. एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ वेलबींग इज पीपल हु फील हु हैव अ स्ट्रांग सेंस ऑफ वेलबींग, दे हैव अ होप इन द फ्यूचर. उनको भविष्य में होप होती है. नो आई एम नॉट सेइंग कि उनको क्लैरिटी है कि भविष्य में हम ऐसा, फ्यूचर में हम ऐसा 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 करेंगे. इट्स नॉट अबाउट क्लैरिटी, इट्स ऑल अबाउट कि मुझे होप है आएगा, कल अच्छा होगा. ये फीलिंग वो फ्यूचर उसको डरा नहीं रहा है, वो फ्यूचर उसको ऐसा ऐसा घबराहट पैदा नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर उसको दबा नहीं रहा है,
वो कह रहा है कि हाँ अच्छा होगा फ्यूचर, इट्स ओके, आई एम होपफुल, मैं अगर अच्छी जिंदगी जीऊंगा तो फ्यूचर जो होगा मैं देखूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, ही इज होपफुल। सो अगर ये सब का कॉम्बिनेशन हो गया, यू विल सी दैट द पर्सन विल हैव अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ वेल बीइंग। और आज के समय में ये सिचुएशन जो हमारे आसपास है, जिसमें हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम हैं, इस सिचुएशन में अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ वेल बीइंग की बड़ी आवश्यकता है। द नंबर वन प्रायोरिटी इज हैव अ स्ट्रांग सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते घर बैठे बैठे, मे बी इफ यू आर इन डेट राइट नाउ तो आप उस डेट को सर्विस नहीं कर सकते, राइट, बट बाकी चीजें तो कुछ हैं जो आप कर सकते हो, जो आप जिसमें आप अपने आप का अपना स्ट्रांग सेंस ऑफ वेलबींग क्रिएट कर सकते हो, और हम इस सिचुएशन से निकलेंगे ना बाहर, आज नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद निकलेंगे ना बाहर। तो अगर हमने ये बात अभी समझ ली और इसको हमने पकड़ के रख लिया, हमने इसको अपना एक जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। सो जो मेरे अभी मैंने वीडियोज बनाए हैं पिछले 10-12 दिन से, इफ यू वुड टू सी ऑल द वीडियोज आर मेड इन सच अ वे दैट दे हैव बीन टू क्रिएट सम वेलबींग। एक स्ट्रक्चर हमने उसका वीडियोस का ऐसा किया है कि आपका वेलबींग अगर आप देखो और वो जीते रहो तो आपका वेलबींग क्रिएट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आई स्पोक ऑन द फर्स्ट वीडियो, मैंने बात की, हल्का सा रिकैप करता हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने पहला वीडियो बनाया और मैंने आपसे कहा कि आप सब सोल्जर्स हो, एकदम सोल्जर्स के माफिक बिहेव करना, सोल्जर्स के माफिक आप लोग इसको अप्रोच करना, क्योंकि अभी दुश्मन वो वायरस है, दुश्मन वो कोरोना है, और सबको अपना अपना इलाका दिया हुआ है जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है। आपकी छावनी है तो आपका घर आपकी छावनी है, आपका परिवार आपकी छावनी है, आपने अपनी छावनी को बरकरार रखना है, आपने अपनी छावनी को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने कहा यू हैव टू बिहेव लाइक अ सोल्जर, और ये दुश्मन वैसा दुश्मन है जिस जो कहीं से भी आ सकता है, इसको कोई इलाका नहीं दिया गया, ये कहीं भी अटैक करेगा, तो कम से कम हम अपनी छावनी तो बरकरार रखें। तो इसलिए मैंने कहा जाना बंद करो, बाहर घूमना फिरना बंद करो, बी केयरफुल द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, उसमें आप ध्यान दो कि आप अपनी छावनी को तो मेंटेन रखो। फिर मैंने कहा कि उन वीडियोस में अगर मैं हल्का सा आपको इफ आई वुड मेक यू गो थ्रू इट, कि हमने पहले बात करी कि यू गॉट टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। अभी कल ही मैं गौतम को ही हैड अ कैमरा एंड ही सेज पापा आई वांट टेक सम पिक्चर्स, तो मेरा आप जरा फोकस सेट कर दो, तो उसने ऐसा स्टैंड पे कैमरा था उसने दिया, तो मैंने फोकस सेट करके दे दिया उसको, तो वो फिर गया कैमरे के पीछे, अरे आपने क्या सेट किया, ये तो वो नहीं है। तो मैंने कहा तूने तो क्या देखना था, तो ही सेज अरे वो बर्ड थी ना, तो मैंने कहा अरे आई थॉट यू वांट टू सी दैट लीफ विच इज देयर ऑन द ट्री, तो मैंने लीफ पे फोकस करा दिया जबकि उसके बगल में एक बर्ड थी जो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ही वॉन्टेड टू बी फोकस द कैमरा टू बी फोकस ऑन द बर्ड, और आगे का लेंस का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, तो उसको देखनी थी बर्ड, मैंने फोकस कर दिया एक लीफ पे। तो मेरा आपसे कहना है कि आपको देखना क्या है, डू यू वांट टू सी द बर्ड और डू यू वांट टू सी द लीफ, तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नहीं तो आप क्या है आप गलत जगह जो है ना लेंस को ठीक करके कर दो आप। तो फोकस ऑन डू यू वांट कोरोना वायरस एट होम, डू यू वांट यू नो समथिंग बैड टू हैपन टू यू, देन व्हाई आर वी फोकसिंग देयर, व्हाट डू यू वांट टू फोकस, हेल्थ चाहिए, रिश्ते चाहिए, जो चाहिए उसमें फोकस करो ना। तो मैंने पहले वीडियो में बोला था प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू वांट। फिर मैंने कहा उसमें कि स्नैप बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और खासकर क्राइसिस के समय में ये याद कर लो आप, स्नैप SNIOP, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर पीपल, SNIOP, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर पीपल, ये बड़ा आप ध्यान रखो, क्योंकि और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपका आ रहा है फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द टीवी, फ्रॉम द व्हाट्सएप, फ्रॉम अदर थिंग्स विच यू आर सीइंग, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम समबडी एट होम, वो तो जो है वो घर में है। तो आप इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, इन लोगों से, इन सिचुएशन से दूर रहिए, अनलेस एंटिल यू वांट टू बिकम यू नो यू वांट टू हैव अ कॉम्पिटिशन कि आफ्टर 21 डेज हु इज द मोस्ट नेगेटिव पर्सन, आप उसमें कॉम्पीट करने वाले हो, तो इनसे अलग रहो। फेसबुक में आप हो या सोशल मीडिया में हो, कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनसे आपको नहीं बात करनी है, जिनका पोस्ट नहीं देखना है, मैंने कहा उनको हटा दो ना फ्रेंड लिस्ट से कुछ दिनों के लिए। फिर मैंने बात करी थी कि फील गुड अबाउट योरसेल्फ, सो ध्यान रखो, अच्छे कपड़े पहनो घर में, और किस लिए लाए वो कपड़े यार,
मैं तो माँ को बोल रहा हूँ रोज जितने दिन से कि अरे वो क्रॉकरी निकालो अच्छी अच्छी जो रखी हुई है दूसरे लोगों के लिए, वो यू नो यू नेवर, जो मेहमान अब पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे लेकिन अभी हम तो है ना, हमें तो खिला दो उन क्रॉकरीज में, तो अच्छी अच्छी क्रॉकरीज निकालो, कभी तो उसको रात को कैंडल लाइट डिनर करो, यू नो, सो फील गुड, माहौल बनाओ, थोड़ा येलो लाइटिंग करो, थोड़ा दोस्त, मुझे मालूम पड़ा कुछ कपल्स हैं अकेले हैं, बच्चे बाहर हैं, भाई अभी आना बंद हो गई हैं, तो आई थिंक इससे अच्छा माहौल का है, इट्स हनीमून टाइम, सो कैंडल लाइट करो, येलो लाइट करो, थोड़ा सा रोमांटिक म्यूजिक लगाओ, बेस्ट ऑफ क्रॉकरी, बेस्ट ऑफ गारमेंट्स, बेस्ट ऑफ क्लोथ्स निकालो और हैव सम गुड टाइम, सो फील गुड, ये दरिद्रता नहीं मचाओ कि एक तो वैसी माहौल खराब है और आपकी शक्ल देख के लोगों को लगे घर में यार कोरोना आ ही गया घर के अंदर, सो दैट्स व्हाट आई स्पोक अबाउट. Then I said, have a schedule. Don't live your life. I've spoken in every video of mine that have a schedule and don't live a schedule-less life. Because agar aapko nahi malum din mein kya karna hai, to din ko to malum hai aapne kya karna chahiye. To din aapko jo hai, jo day aapka hai, wo aapko sone ko laga dega, aapko lazy bana dega, aapko Facebook mein laga dega, aapko Netflix mein laga dega. Lekin agar aapne kaha din se ki mujhe ye karna hai, then you are in charge na. You are the leader there. To phir humne scheduling ki baat kari thi. Phir maine baat kari thi aage jaake ke एक्चुअली हाउ डू यू हैंडल योर टीम्स. कुछ लोगों ने टीम्स के ऊपर मेरे से पूछा कि टीम्स को हम कैसे हैंडल करें, उसमें मैंने बात करी. फिर मैंने बात करी रिश्तों के बारे में कि रिश्तों जो हैं घर के अंदर वो भी स्टेज से जाएंगे, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री से जाएंगे. तो स्टेज थ्री आएगा जब आप एक दूसरे से अभी तंग आ जाओगे, हो सकता है. तो हाउ डू यू हैंडल दैट, मैंने उसमें बात करी. देन आई वेंट ऑन टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन विद पीपल सेड दैट यू नो डर लग रहा है. तो अभी कुछ दिन पहले मेरा वीडियो था ऑन फियर, हाउ डू यू एक्चुअली ओवरकम फियर, हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन. उससे पहले मैंने बात करी थी कि हाउ डू यू स्टे प्रिपेयर्ड, कि आप कैसे प्रिपेयर्ड रहें, डमरू बजेगा, लॉकडाउन खत्म होगा एक दिन, एंड आर यू रेडी फॉर दैट टाइम व्हेन लॉकडाउन विल बी ओवर. सो लोगों का था कि सब घबराहट सी हो रही है, तो मैंने जो चीज़ हुई नहीं है उसको लेके क्या घबराहट, अब लॉकडाउन खुलेगा फिर देखेंगे मार्केट में जाके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कस्टमर खड़ा करता है नहीं करता है, टीम है कि नहीं है, विल सी लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू कैन डू, लेट्स डू दैट. एक बूढ़े इंसान से पूछा गया, एन ओल्ड मैन वॉज आस्ड के वॉट रॉब्ड यू ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ से ये किसने आपके जॉय को चुराया. एंड ही सेड इन अ सिंपल वे, ही सेड थिंग्स दैट नेवर हैपेंड, जो चीजें कभी हुई नहीं. एंड इफ यू वुड गो एंड लुक इन टू योर लाइफ, यू सी दैट यू हैव बीन वरिंग अबाउट थिंग्स विच हैव नेवर हैपेंड. पूछो अपने आप से कि आपको एक साल पहले जिस चीज की आप चिंता कर रहे थे आपको याद है क्या, एक साल पहले आप किसकी चिंता कर रहे थे, और आप मतलब घोर चिंता कर रहे थे, भयंकर चिंता, और आपको अभी याद ही नहीं कि आप चिंता क्या कर रहे थे. सो 95-99% थिंग्स जिसकी हम चिंता करते हैं वो चीजें तो होती नहीं है. सो आई स्पोक ऑन दैट एस्पेक्ट. देन आई वेंट ऑन टू स्पीक ऑन दैट यू गॉट टू बी टफ ऑन योर सेल्फ. अभी मैंने रामनवमी में वीडियो बनाया था. And then, of course, yes, the video which was there today on emotional mastery, which is there. So, ye sab videos hai, which is all about leading to a state of well-being. Ki aap ek na ek cheez ko aap dhyan rakhi, usme kariye. And I'm sure, ye well-being ki avastha, aap build karte rahoge. The single most requirement which we have all of us today, ye humari priority hai, ki hum ek well-being ki avastha mein rahe, as much as possible. This is what I want to share with you. कुछ लोगों का है सब अभी बदलती सिचुएशन में अभी क्या होगा, what is going to happen, future क्या है. Well, business side में, life side में, see, अगर आप देखो, मैं अभी कल रचना से बात कर रहा था कि मैंने कहा रचना, मार्च फर्स्ट वीक में हमने हमारा हैप्पी माइंड था ऑन 6th or 7th of March. तो मैंने कहा हमने सोचा ही नहीं था कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, बट सच अ ड्रास्टिक चेंज, मतलब कुड यू इमेजिन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कि हम लोग ऐसा घर में रहेंगे, आप मुझे ऐसा सुनोगे. मेरे तो वो HM हुआ, उस HM में मैंने बोला विल सी यू नेक्स्ट HM, तो नेक्स्ट HM तो वही नहीं हमारा. विद इन टू वीक्स वी वर ऑल एब्सोल्युटली डिफरेंट देन व्हाट यू वर. तो एक बात तो साबित हो गई, ये आप ध्यान रखो इस बात को, द स्पीड ऑफ चेंज हैज इंक्रीज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. हमने देखा, मैंने बात करी है, सालों साल बात करी है परिवर्तन की, परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है, आ गया है, बट आई ऑल्सो हैव नॉट सीन एंड नोबडी इन द वर्ल्ड हैज सीन कि इतना जल्दी परिवर्तन. सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज
चेंज इन द स्पीड ऑफ चेंज. इट इज सुपर फास्ट, मतलब हम पकड़ नहीं पाए इसको. एंड हियर वी आर सीइंग द होल वर्ल्ड चेंजिंग. 80% ऑफ और 80-90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एट होम, मोर लेस एट होम. कि दुनिया 80% दुनिया ठप बैठी है. कभी सोचा था आपने, मतलब अगर कोई हमें बोलता भी 10 दिन पहले 15 दिन पहले यार मार्च पहले हफ्ते में कि दुनिया जो है ना रुक जाएगी, हम क्या बोलते हैं, अरे ये पागल है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, होल वर्ल्ड इज मूविंग, डू यू थिंक दैट इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल. और एक वायरस ने हमें पूरा घर में बांध के रख दिया. सो दिस चेंज हैज हैपेंड. आई फील ये और स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड तो कम होने वाली नहीं है. और इसका इम्पैक्ट हुआ है ऑन अ पर्सनल लाइफ, ऑन बिजनेस लाइफ, ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी साइड. तो कुछ बातें रखता हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन कनेक्ट विद द चेंज साइड, जो मेरी समझ है और जो मैंने अभी तक पढ़ा है और जो लोगों से मेरी बात हुई है पिछले कुछ दिनों में, वॉट एवर आई बीन एबल टू अंडरस्टैंड. लेट मी जस्ट शेयर विद यू अ फ्यू इनसाइट्स. पर्सनल साइड में मुझे लगता है कि ऐसा मैं अच्छा मैं वर्ड यूज करूंगा शायद, हाँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को दे हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ नाउ, दे हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड. तो उनको अपनी लाइफ की वैल्यू शायद समझ में आ रही है. अगेन वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है शायद. शायद उनको लाइफ क्या है अब सही मानों में समझ में आ रहा है शायद. हाँ, और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मालूम नहीं, हम लोग इंसान हैं, हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट हैं. और जैसे वो मोदी जी ने बोला था लास्ट टाइम कि आप घर में रहिए और थाली पीटिए और घंटी बजाइए, तो उनको नहीं मालूम था कि ऐसे ये लोग बाहर जाके जो है ऐसा सेलिब्रेट करेंगे जैसे कि वाकई में कोरोना ख़त्म हो गया है और लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है. तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मालूम नहीं अगर ये लॉकडाउन खुलेगा 15-20 दिन नहीं कि महीने बाद हम नॉर्मल लाइफ में आएंगे, तो ये फिर शायद पर्सपेक्टिव निकल जाए लाइफ से. जैसे हम बोलते ना कि स्वामी चिन्मयानंद बोलते थे शमशान वैराग्य, कि जब शमशान में आदमी जाता है ना तो वहाँ जाके वो देखता है चिता जल रही है, कोई इंसान की बॉडी है जो कल तक जिंदा था आज नहीं है. तो लोग बात करते हैं आपस में और वो कहते हैं यार क्या जिंदगी है, देख यही सत्य है. सडनली पीपल बिकम फिलोसफिकल. कुछ लोग बात करते हैं अरे कल तो मेरे साथ थे, कल रात तो हमने साथ खाना खाया और देखो आज चले गए. कोई बोलता है अरे इतनी काम करते थे, इनकी इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, क्या फर्क है, अभी देखो गए ना, कौन संभालेगा उसको. एंड दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट दिस एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ अगर ये है तो क्यों मारामारी करनी है यार, ध्यान दो जिंदगी को, जिंदगी जियो. सडनली एवरीबॉडी बिकम्स फिलोसफिकल. और वो शमशान घाट से बाहर आते ही और एक फोन आता है ऑफिस से कि सर वो चेक बाउंस हो गया. और जैसी वो खबर आती चेक बाउंस हो गया है, तो वो चेक बाउंस होने में वो इतना चिल्ला पुकार कर देता है, सारा शमशान का जो उसका था ना फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस सारा वेर आ गया. विद इन दैट वन मिनट, दैट वन फोन कॉल, सारा गायब हो जाता है. तो इसलिए मैं वर्ड शायद बड़े जो है ना सोच से इस्तेमाल करूँ कि शायद हम लोगों को लाइफ का पर्सपेक्टिव हमारे लिए सही हो जाए शायद. तो ये परिवर्तन लोगों की लाइफ में आएगा ऐसा मैं सोचता हूँ कि दैट दे विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट aspects ऑफ द लाइफ. मे बी दे विल कम होम अर्ली एंड गिव मोर टाइम टू द फैमिली. मे बी दे विल टेक अंडरस्टैंड दिस कि उनका 10 एकड़ कहीं जमीन पड़ी है, कहीं उनकी कोई बिल्डिंग पड़ी है, नाउ इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम बिकॉज दे आर इनसाइड द हाउस. चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी पैसा हो, आज काम तो वही आ रहा है जो आपके पास है. शायद ये पर्सपेक्टिव आ जाए, शायद ये पर्सपेक्टिव आ जाए कि जो साथ में है वही अपना है, क्योंकि आज घर में जो है वही अपने हैं. आज किससे भी कितना भी अच्छा आपकी दोस्ती हो जाए, कितना भी अच्छा आप उससे मेलजोल कर लो, जब वो आपके साथ नहीं है मुश्किल के समय, तो फिर वो कितना भी अच्छा दिल रखता हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव आया होगा या आ रहा होगा और शायद इस पर्सपेक्टिव को हम होल्ड करेंगे अपनी लाइफ में. एक और पर्सपेक्टिव है मुझे लगता है कि यू नो विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज कम्युनिटी लिविंग. आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑर नॉट. पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने जो है ये देखा कि वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम यू नो लोकल ग्रोसरी बाइंग, लोकल शॉप बाइंग, वी वेंट ऑन टू ऑनलाइन, वी वेंट ऑन टू ऑल द ऑनलाइन कंपनीज, मैं नाम नहीं लूंगा उनका,
और वहां से हमारी डिलीवरी चालू होगी। और आज देखो कि आज कोई उसमें से कोई खाना नहीं सर्व कर रहा है, कोई ग्रोसरी नहीं दे रहा है हमें, कोई कहीं से नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही, दे हैव ऑल स्टॉप द सर्विसेज। सो वी हैव गॉन बैक टू आवर लोकल किराना शॉप लोकल, और वो उस सिचुएशन में भी वो आज दुकान खोल के बैठा हुआ आज हमें सर्व कर रहा है। तो शायद ये कम्युनिटी लिविंग, कि जैसे पहले जमाने में होता ना कि ये एक इलाका है, इस इलाके का एक छोटा सा कम्युनिटी है, वो अपनी कम्युनिटी वहीं से पूरी जरूरतें पूरी फुलफिल करते हैं, उनका स्कूल वहीं पर है, उनकी दुकानें वहीं पर, उनका घर वहीं पर है, शायद ये कम्युनिटी वाला एक फ्लेवर आ जाए शायद। तो ये एक मेरे को लगता है पर्सनल साइड में एक चेंजेस होंगे, लोगों के पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ बदलेंगे। बिजनेस साइड में मुझे लगता है कि बहुत ही हलचल हो गई है, बिजनेस वर्ल्ड हैज़ बीन शैटर्ड, बिल्कुल ऐसा एकदम तहलका मच गया बिजनेस साइड में। हमने देखा कि यू नो मार्केट्स आर डाउन, दे आर बैडली बीटन ब्रूज्ड, ये हो गया है। कंपनीज आर इन डायर स्ट्रेट्स की अभी करें क्या, डोल्ड्रम्स में हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है। एंड मुझे लगता है कि ये जो कोरोना वायरस आया ना, ये एक मार्केटिंग इनिशिएटिव था टेक्नोलॉजी का, या द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी यूज करनी है या टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते, या टेक्नोलॉजी आपको लानी है और आपको वो पर्सपेक्टिव लाना है अपनी लाइफ में, वो समझाने के लिए करुणा मार्केटिंग एजेंट बन के आया। हमें समझ में आ रहा था, हमें लोग बोल रहे थे कि अरे टेक्नोलॉजी लेके आओ, टेक्नोलॉजी यूज करो, टेक्नोलॉजी से ऐसा होगा, तो हम सोच रहे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सडनली ये आया और इसने पूरी मार्केटिंग कर दी, एंड नाउ यू विल सी दैट टेक्नोलॉजी इसके पास है, जिसका प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है टेक्नोलॉजी वाइज, उसका फ्यूचर में काम करने के या उसका फ्यूचर बिजनेस में बड़े अच्छे चांस है। अभी मुझे कल ही फोन आया मेरे एक स्टूडेंट का, एंड ही इज इनटू ऑनलाइन एग्जाम्स, ही इज इनटू डेटा प्रोटेक्शन, उसने टेक्नोलॉजी निकाली, उसने प्रोडक्ट निकाला जिसमें कोई भी टीम मेंबर अगर वो डेटा कहीं से चोरी नहीं कर सकता, उसका चेहरा हटेगा तो वो डेटा, वो फोन लॉक हो जाएगा, वो डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा, बहुत सारी फीचर्स है उसके अंदर। तो ही सेज मैं सर बेच के थक गया था पहले, लोग खरीदते नहीं थे। ही सेज लास्ट 15 डेज आई हैव डन बिजनेस 50 टाइम्स ओवर, इतना काम है, और मुझे अभी 200 लोग हायर करने हैं ही सेज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जिसको मैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर दूं। तो ये कोरोना के चक्कर में टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ये सोच बहुत लोगों में आ गई। तो आई एम सेइंग दैट कोरोना हैज बिकम अ मार्केटिंग एजेंट फॉर टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी आस्पेक्ट आना ही चाहिए। बिजनेसेस अलग अलग लेवल पे सफर कर रहे हैं, अलग अलग आई थिंक कॉमन अगर हम एक सेंस लगाएं तो जो बिजनेस अच्छे हैं जो चलेंगे वो ऑनलाइन बिजनेस चलेंगे, लॉजिस्टिक्स वाले अच्छे बिजनेस चलेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स वाइज अभी मैं बात कर रहा था कल अपने ऑनलाइन सेशन में विद एंटरप्रेन्योर्स कि अभी मे बी पीपल विल नॉट फील फ्री टू गो टू फॉर शॉपिंग एंड ऑल आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ द, या फिर कुछ ज़रूरतें हैं उनकी जो पूरी होंगी तो लॉजिस्टिक्स कंपनी पूरी करेंगी। कंपनीज भी बड़ी अच्छी अच्छी इनोवेशन ला रही हैं, वेयर दे आर कमिंग विद विदाउट मैन पावर, दे आर यूजिंग लॉजिस्टिक्स, दे आर यूजिंग ये अपने ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग रॉबोट्स टू ट्रांसफर। तो शायद अगले कुछ सालों में ये बड़ा जल्दी होगा। आई फील कंज्यूमर गुड्स कंपनी तो चलेंगी चलेंगी, बिकॉज साबुन तेल पानी सबको चाहिए, फार्मा भी चलनी चाहिए जो चलेंगी। एंटरटेनमेंट में जो है जो ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स तो आप लोग होलसेल में देख रहे होंगे, प्राइम देख रहे होंगे, हॉटस्टार देख रहे होंगे, ये कंपनीज बड़ी चलेंगी आगे जाके, एंड दैट्स गोना हैपन। एंड द चैलेंज विल बी फॉर कंपनीज विच आर नॉट गोइंग टू चेंज और विल नॉट हैव एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और ईयर्स टाइम, ट्रैवल है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, बड़े चैलेंजेस हैं, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है, आईपीएल जैसे बंद हो गया तो सारी कंपनीज जो आईपीएल से लिंक थी उनका काफ़ी नुकसान होगा। सो ये एक बिजनेस साइड मुझे लग रहा है कि बड़ा परिवर्तन आया। ऑन दी ग्लोबल इकोनॉमी साइड आई फील इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर द इकोनॉमी टू कम अप। बहुत सारे लोगों का बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्या होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट्स एक्सपोज हो गई हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट थी या कितनी इनकॉम्पिटेंट थी, वो कितने प्रिपेयर्ड थे या कितने अनप्रिपेयर्ड थे, ये मालूम पड़ गया। अभी कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर शिफ्ट होगा इकोनॉमिकली एंड यू नो एंड इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, तो पावर कहाँ शिफ्ट हो सकती है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो ये मुझे लगता है कि
आने वाले कुछ महीनों में मालूम पड़ेगा क्या है. वी आर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट आई थिंक ये अभी जरूरी हो गया है फॉर एन एंटरप्रेन्योर. हर एंटरप्रेन्योर के लिए ग्लोबली क्या हो रहा है ये समझना बड़ा जरूरी है कि कितने फ्रेजाइल है हम लोग, कितने अभी एकदम नाजुक हो गए हैं कि कुछ होता है और हम देखो सब ठप हो गए घर में बैठे हुए. सो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को समझना पड़ेगा कि नाउ यू कांट लिव अ डेट फुल लाइफ, कि आपका हाई. बहुत से एंटरप्रेन्योर्स अभी बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि उनका डेट कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि सडनली कुछ हो गया ऐसा आप घर में बैठ गए तो हाउ विल यू हैंडल दिस. वर्क फ्रॉम होम शायद एक कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे. एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे कि ह्यूमन क्लाउड, जैसे क्लाउड होता है तो ह्यूमन क्लाउड कि देर आर ह्यूमन सर्विसेज विच आर देयर अवेलेबल, आपने टैप करना है उसको तो आप यू डोंट हैव टू एम्प्लॉय देम फुली फुल टाइम. आपको जो सर्विस चाहिए आप वो सर्विस को मांग लो और वो सर्विस आपको मिल जाएगी. सो वेदर इट बी सॉफ्टवेयर, वेदर इट बी योर डेली नीड सर्विसेज, तो आप उसको एम्प्लॉय नहीं करो. यू आस्क भी अच्छा मुझे ये चाहिए, मे बी यू हैव टू पे अ बिट मोर बट यू विल हैव दोज सर्विसेज. ऐसा शायद ये काफ़ी हो जाएगा आगे जाके. एंड मुझे लगता है कि फॉर द इंडियन बिजनेस सिनेरियो साइड बड़ा अच्छा है, नॉट इन ओनली इंडिया बताएंगे वर्ल्ड ओवर. मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सारे देश जो हैं, जो अच्छे देश हैं, स्ट्रांग देश हैं, दे विल मोर हैव अ नेशनलिस्टिक अप्रोच बिकॉज दे सफर्ड फॉर नो रीजन ऑफ देयर्स. तो अभी सब और अभी इतने कगार पे आ गए हैं जहां बिल्कुल एकदम बर्बादी के कगार पे आ गए हैं बहुत से देश. आई थिंक वहां नेशनलिज्म की एक बड़ी अच्छी एक फीलिंग डेवलप होगी और वहां से ये लोग उभरेंगे और अपने देश के प्रति उनका प्यार या देश के प्रति उनका एक जागरण होगा, ऐसा मुझे लगता है. एंड जो वहां के लीडर्स हैं उन्होंने वही करना चाहिए, उन्होंने अपने अपने लोगों को जागना चाहिए, जगाना चाहिए. और बिकॉज टुगेदर दे हैव टू फाइट, दे हैव टू हैंडल दिस. मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, व्हेन दे वर अटैक्ड इन 1940s, द इंटायर जापानीज कम्युनिटी, कॉर्पोरेट्स, लोकल पीपल, वर्कर लेवल पीपल, पॉलिटिशियन, सब एकजुट हो गए, सब ने जापान को बनाया जो आज हुआ है. जब 9/11 हुआ यूएस में, तो 9/11 के बाद द इंटायर यूएस अमेरिकन केम टूगेदर टू बिल्ड अगेन अमेरिका. तो ये अलग सिचुएशंस थी बिकॉज कहीं पर बॉम्ब हुआ है, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये तो अलग सिचुएशन है. बट इट्स काइंड ऑफ एन अटैक, इट्स अ वायरस अटैक, एंड नॉट ओनली वन कंट्री बट मेनी कंट्रीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय दिस. तो मुझे लगता है कि सब में से नेशनलिज्म की एक एक फ्लेवर निकलेगी. अब जैसे आज मोदी जी का सुबह कॉल आया ऑन टीवी, ही सेड कि आप संडे को जो है आपने रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए आप लोगों ने दिए जलाने हैं, मोमबत्ती जलानी है, अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट लगानी है. अभी इसमें बनेंगे देखो मीम्स, लोग कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ पहुंचे हुए लोग हैं, वो मजाक बनाएंगे, अपने मीम्स बनाएंगे, सडनली जागेंगे, उनको मसाला मिल गया कुछ बात करने का और करेंगे. पहले भी उन्होंने करा था, अभी भी करेंगे, कुछ काम तो होता है ना करने को, तो ठीक है. मतलब दे आर फ्री नाउ डेज, तो दे हैव टू डू सम वर्क. एंड मुझे मालूम है इसमें मुझे कुछ कमेंट्स आएंगे लोगों के. तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो सोच रहे हैं, मतलब बहुत आगे की सोच रहे हैं. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझो और मैं इस इनिशिएटिव को आपको समझाना चाहता हूँ मेरी समझ से. मोदी जी ने किस समझ में बोला, लोग उसको कैसे बोल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइट जलाने से कोरोना भाग जाएगा, मर जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. आई एम सेइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के ये हम कंपनी चलाते हैं, हमारे पास 15, 20, 25 लोग हैं और हम एक मुश्किलात से गुजरते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंपनी, 15-20 लोग की टीम है, तो हम क्या चाहेंगे एज अ लीडर? हम चाहेंगे ना कि वो 25 लोग जो है मिलके उस सिचुएशन को हैंडल करें. सबकी सोच, सबका अंदर का एक एक थॉट प्रोसेस, इट शुड बी अलाइंड टू व्हाट वी आर फेसिंग, एम आई राइट ना? तो जब हम 20-25 लोगों से ये चाहते हैं कि वो अलाइंड हो जाएं, तो मोदी जी कैसे अलाइन करें पूरे देश को कि सब 130 को मालूम है क्या होता है, 130 crores, वी एड वन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर इन दिस कंट्री. हर साल हम एक ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन ऐड करते हैं, इतना बड़ा हमारा देश है. तो 130 करोड़ को वो एक साथ लाना चाहते हैं कि हम सब मिलके अपने मन में हम ये कहें, या ये अपने मन में हम कॉन्फिडेंस लेके आए, ये मन में हम बात लाएं कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. आपकी टीम है 25 लोगों की, अगर आपको कोई क्राइसिस है तो आप चाहोगे ना कि आपकी टीम सोचे कि हम निकल सकते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं सोचे कि हम निकल सकते हैं तो सब हताश होकर आपके पास आएंगे और आप अकेले लीडर हो और आप लीडर हो और सब हताश है, नीचे सब हाथ पैर रख के बैठे हुए हैं
कि सर कुछ होने वाला नहीं है, तो आप कैसे डील करोगे? आपके पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी आप उनसे कैसे डील करोगे? तो सबसे पहली जरूरत है कि हम अपना मनोबल, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें। तो ये तो आप चाहोगे आपकी टीम करे कि वो आपसे बोले नहीं सर आप बताओ करना क्या, हम रेडी हैं। तो यही मोदी जी चाह रहे हैं हमसे कि हम अपना मनोबल बना के रखें। तो कैसे बोले वो किसी को? तो उन्होंने बड़े अच्छी ये एक समय लिया, उन्होंने पहले जो बात करी थी 22 तारीख को कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और ताली बजाइए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस, मैंने वीडियो बनाया उसमें कि आई एक्सपीरियंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद द एंटायर वर्ल्ड। आई गॉट फ्रेंड्स हु डू नॉट बिलीव इन मोदी जी, हु डोंट लाइक हिम, दे ऑल्सो सेड दैट आई हैड अ ह्यूज कनेक्ट विद दिस होल कॉन्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज वन। तो ये इस चीज का मजाक ना बनाए, ये एक सिचुएशन है कि देश में हमारे साथ ये हो रहा है। इस समय हमें सब एक साथ होके हम एक विचारधारा अपने मन में लाएं कि हम इससे लड़ सकते हैं। जो गवर्नमेंट करना है वो तो करेगी, उनको क्या मेडिकल तैयारी देनी है वो देनी है, जो स्टिमुलस देना है वो देना है, जो सिस्टम सेटअप करना है वो करना है, वो कर रहे होंगे, हमें नहीं मालूम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट हमें तो अपने मन को स्ट्रांग रखना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये नेशनलिज्म की तरफ कि एज अ नेशन वी विल मेक अ कंट्री कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ये फीलिंग हम सब भारतीयों के अंदर होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ही वांट्स टू इग्नाइट इन ऑल ऑफ अस। तो मुझे लगता है ये हर देश में होगा, हर देश इससे बाहर निकलना चाहेगा। और लास्टली पॉजिटिवली मैं ये आपको बोलूंगा कि लेट्स सी द सिल्वर लाइनिंग, देखते हैं कि अच्छा होपफुल है, बिकॉज वेलबींग के लिए होप होना बड़ा जरूरी है। हर कोई संकट जब आया, चाहे वो पहले का इन्फ्लुएंजा था 1918 का, वेदर इट बी दी ग्रेट डिप्रेशन, आप देखो ये देखा गया है हर सिचुएशन के बाद ऐसा बड़ा अच्छा बाउंस बैक आया है, बाउंस बैक आया है। तो वेदर बी द 2000 9/11 विच हैपेंड, वेदर बी दी लास्ट इम्पैक्ट विच वी हैड, तो उसके बाद बाउंस बैक आया है। तो अभी मुझे लगता है कि ये 2018-19 का जो हमारा मार्केट था, ये मार्केट हाई नहीं जा रहा था, मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रहा था, और ये कोरोना के चक्कर में बिल्कुल ही अभी नीचे आ गया। तो अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जनता के पास ऑप्शन नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स का ऑप्शन नहीं है, सरकारों के पास ऑप्शन नहीं है, बट टू फाइट। तो जब सब मिलकर लड़ते हैं ना तो फिर मार्केट उठता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो स्टिमुलस देगी। स्टिमुलस क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से शायद ये हम रिबाउंड करेंगे, आगे हम लोग फाइट बैक करेंगे, अच्छा पुल बैक आना चाहिए। जो समय लगना है देखिए वो तो लगेगा, लेकिन फाइट तो अच्छी होगी, बिकॉज कोई आराम से बैठने वाला नहीं है। अभी जैसे ही मार्केट्स खुलेंगे तो सब जान लगाएंगे, और जान लगानी भी चाहिए। टीम मेंबर जान लगाएंगे, एंटरप्रेन्योर जान लगाएंगे, घर में सब लोग जान लगाएंगे, खर्चे कम करेंगे, आगे की सोचेंगे। जब ऐसी सोच से पूरे देश में लोग काम करेंगे तो आगे क्यों नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि दिस इज दी सिल्वर लाइनिंग टू द होल थिंग, दैट वी गोना बाउंस बैक इन अ वेरी स्ट्रांग वे। मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ ऑन एट ऑफ दिस मंथ, अगले हफ्ते मेरा एक वेबिनार है, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन 8th, और शाम को होगा 5 to 6:30, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन बिजनेस साइड। मैं एक एस्पेक्ट शेयर कर रहा हूँ, दैट हाउ डू यू, द कॉन्सेप्ट इज दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है, पेचीदा हो जाती हैं, तो वो जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से रोकती हैं। तो मैं ये बात करने वाला हूँ 8 तारीख को शाम को 5 to 6:30। दिस इज गोइंग टू बी ऑन जूम, एंड it will be on invite basis, you have to register yourself for that। अगर आपको लगता है कि आपने आना चाहिए उसमें, मैं कुछ अच्छी बेसिक बातें करूँगा जिससे आपका बिजनेस आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ जाए, एंड आई एम होपिंग दैट थ्रू दैट आई कैन रीच आउट टू मैनी पीपल। मेरे लिए परिवर्तन है दैट आई एम नॉट यू नो मीटिंग पीपल, आई एम नॉट टेकिंग सेशंस 1-to-1 और मे बी फेस टू फेस, आई एम टेकिंग इट नाउ थ्रू टेक्नोलॉजी। ये भी एक स्पीड से आया जो शायद मैंने सोचा नहीं था इतनी स्पीड से आएगा, लेकिन आ गया, एंड आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू मोर पीपल। तो ये है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। आई थिंक वी हैव केप्ट इट एट ₹500 फॉर पीपल हु वांट टू रजिस्टर फॉर दैट, एंड जिन्होंने सुना है मुझे पहले बिजनेस पे, इट कैन बी अ रिफ्रेशर फॉर यू, इट कैन बी सम न्यू इनसाइट्स फॉर यू। जिन्होंने नहीं सुना है वेलकम, प्लीज आइए सुनिए, एंड होल आइडिया इज कैन वी मेक आवर बिजनेसेस मच मोर सिंपल टू हैंडल। और जब सिंपल हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए ना बड़ा आसान हो जाता है उसको आगे ले जाने के लिए। जब कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो फिर बड़ी मुश्किलात होती है, फिर हम उसको आगे ले जाने से चूक जाते हैं। तो दिस इज देयर ऑन 8th, एंड व्हाट एल्स इज देयर, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री?
अच्छा, एक दो लोगों ने क्वेश्चन कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या कहना है. मुझे लगता है कि देखिए, आई वाज टॉकिंग टू वन एंटरप्रेन्योर निमिष देसाई, एंड हाँ, तो उन्होंने बोला है कि अच्छा, उन्हीं का क्वेश्चन है. अरे वाह, मुझे मालूम था. He is very excited about his business and he has always been giving me positive insights. He says unka kafi acha ek aage ka workflow chal raha hai. He's kind of booked and he says we are sending in quotes every day, quotations every day. We are sending in pricing lists to lot of inquiries. Or he's a part of Tata Boeing. He's serving Tata Boeing in India, and that they are in terms dealing with Boeing. US, तो उनको काफ़ी काम है. बोइंग से इंक्वायरी आ रही है, मार्केट डाउन है, लेकिन बोइंग कह रही है कि हम तो मालूम है कि वील बाउंस बैक, एंड उसके लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं. तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप ये ध्यान रखिए कि मैं ये पॉइंट शायद कहना भूल गया, या अच्छा आपने याद दिलाया कि दुनिया भी थोड़ी जागृत हो गई है. अंडरस्टैंड दिस, चाइना has been the world's leader in terms of being the supplier to the world. But mujhe lagta hai ki abhi duniya ki nazar Hindustan pe aani chahiye, aayegi. Aur we are a democracy, we are improving, we are becoming better, and ye jo kaand hua hai sara, to mujhe lagta hai ki ye shayad kuch had tak China ko iska khamiyana dena padega, and the order side should shift, the manufacturing orders should come to India. Aisa mujhe lagta hai, aane chahiye. Lekin main aapko fir bhi warn karna chahunga, हम फिर मात खा जाएंगे अगर हम तैयार नहीं रहे, अगर हमने वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने वो स्पीड पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, हमने अगर वो जो हमें प्रोडक्ट पे जो आउटपुट आना चाहिए उस पे ध्यान नहीं दिया, वी विल अगेन लूज आउट टू द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. और जितना नीचे गिरी है इंडस्ट्री, मुझे लगता है उतना बाउंस बैक होगा. तो कमर कसिए, थोड़ा आपको कैश फ्लो के चैलेंजेस आएंगे. मुझे लगता है गवर्नमेंट तो आएगी सपोर्ट में, और गवर्नमेंट करेगी सपोर्ट जो कर सकती है. बट लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट बाउंस बैक, दैट इज व्हाट आई फील. संदीप भटेवरा इज आस्किंग योर व्यूज ऑन द इवेंट इंडस्ट्री. आई थिंक इज इन इनटू इवेंट्स. वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दैट? संदीप, इवेंट्स है इवेंट्स का तो मैं सोचूंगा कि अभी तुम घर घर इवेंट्स कराओ. तो नॉट दैट ये शादियां नहीं होंगी, नॉट दैट इवेंट्स नहीं होंगे, नॉट दैट कि लोग नहीं मिलेंगे, वापस मिलेंगे, बट थोड़ा समय लगेगा. ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना में थोड़ा समय लगेगा, और शायद प्रिकॉशन लेके अगर हमने अपना एक नाम बना लिया, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू सिंस यू इनटू इवेंट्स. कि आप जब अपना पहला इवेंट, जब भी आप पहला इवेंट करो, वो इतना बढ़िया होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी मेजर्स, राइट? तो उससे फिर आपके पास एज होगी, वेर पीपल विल ऑन दे ओन टॉक अबाउट यू दैट अरे उनके इवेंट में ना थिंग्स वर सो सो ऑर्गेनाइज्ड. अगर अपना इवेंट भी वैसा होगा जैसे आजकल आप जाओ ना कहीं वो सब्जी मंडी जाओ तो पब्लिक एक के ऊपर टूट रही है, तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट दे हैव टू हैव अ डिस्टेंस, दे आर नॉट मेंटेनिंग अ डिस्टेंस. तो ये सब्जी मंडी नहीं बनाना है इवेंट्स को. नाउ आई थिंक दे विल बी दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लेवल. और अभी के कुछ दिन तो अभी मुश्किल है, बिकॉज पीपल विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस टू कम बैक टू इन ग्रुप्स और इन बिग गैदरिंग्स. तो ये थोड़ा होगा समय, लेकिन आई थिंक दिस इज गुड टाइम टू प्लान एंड थिंक अबाउट इट. तो इवेंट इंडस्ट्री नहीं मरेगी बिना, वी आर सोशल एनिमल्स, आप ध्यान रखो. तो हमें मिलना जुलना तो हमें रहेगा, हम लोग उसके बिना रह नहीं पाएंगे, और हम मिलेंगे. जैसे अभी देखो ना, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि ये खत्म होगा लॉकडाउन, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो डरा भी रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकलेंगे शाम को, कुछ उनको इच्छा होगी. और जिस दिन ये पूरा खुलेगा, दो एक दो महीने के अंदर जब भी पूरा खुलेगा, पीपल वुड स्टिल वॉन्ट टू गो टू द लव्ड वंस, पीपल विल वॉन्ट टू स्पेंड टाइम. तो इवेंट्स होंगे, शायद उनका रूप बदलेगा, शायद बड़ी गैदरिंग्स नहीं होंगी, लेकिन अच्छी वाली गैदरिंग्स होंगी, मोर ऑर्गेनाइज होंगी, मोर सेफ्टी ओरिएंटेड होंगी. आई थिंक दैट्स व्हाट इट विल बी. सो होल्ड फोर्ट. वन लास्ट क्वेश्चन. Mukesh Jethwani is saying that in distribution trade, we are expecting very bad debts as small storekeepers will not be able to pay rent, salaries, and may shut shops. So in turn, they will not be paying us. So would you like to comment anything on that? ये बोलते ना कि ये cycle जो है ना, ये एक cycle आ गया है कि उनके पास पैसा नहीं है,
वो आपको नहीं दे पाएंगे या अपने होलसेलर नहीं दे पाएंगे, होलसेलर वाले आपको नहीं दे पाएंगे, एंड दिस साइकिल इज देयर. तो साइकिल तोड़ने के लिए तो गवर्नमेंट स्टिमुलस लाती है कि दे दे समवेयर इंजेक्ट सम फंड्स. और ये सिचुएशन है, मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप देखो ना, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम्पल, बट जब सड़क में कोई एक्सीडेंट होता है तो हमेशा ब्लेम जाता है बड़े वाले पे. अगर साइकिल वाला है तो स्कूटर वाले को बोला जाएगा तूने क्यों ठोका उसको, स्कूटर वाला है तो कार वाले को बोला जाएगा कार वाले तूने क्यों ठोका उसको. तो ओनस द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द बिगर, जो बड़ा होता है. तो हम शायद बड़े हैं अपने उन शॉप वालों से, और हमें वो बड़प्पन थोड़ा दिखाना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी उनको एक ढील देनी पड़ेगी, और इसलिए तो बड़े हैं और इसलिए हमारा मरना ज़्यादा है उनसे. ही मे हैव ओनली वन शॉप बट यू मैट हैव मैनी शॉप्स, तो आपका मरना बहुत बड़े लेवल पे होगा. लेकिन ये है, अभी ये सिचुएशन को ऐसे ही हमें हैंडल करना पड़ेगा. आई फील यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी स्ट्रांगली. हर एक दुकानदार, हर एक शॉपकीपर्स के पास जाइए, कम्युनिकेट करिए, उनसे फ़ोन में बात करिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि मार्केट अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, और जितना वो आपके लिए कर सकते हैं वो करें. क्योंकि अगर आपने उनको बताया कि आपको ऐसी 100 शॉप्स हैं जहाँ से पैसा आना बाकी है, तो अगर वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा तो शायद 10% 15% आपका जो ड्यू है वो आपको देगा. तो कुछ तो मोमेंटम आएगा. तो मुझे लगता है कि वो आपको कम्युनिकेट, और रिश्तों पे होगा. देखो अभी काम कि आपके रिश्ते कैसे थे उनके साथ. तो एक बात और भी ध्यान रखिए कि आगे वाला जो समय होगा उसमें रिश्तों का बड़ा एक फर्क पड़ने वाला है. तो जिसमें जिसका रिश्ते अच्छे हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए इस समय तैयार होगा, चाहे वो टीम हो चाहे वो वेंडर्स हो. सो दैट्स हाउ इट इज. यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, मैं और ऑनलाइन लूंगा. टाइम हो गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अभी वो क्वेश्चन पढ़ूंगा. एंड आई विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल वेन आई कैन बी ऑनलाइन अगेन टू आंसर दोज क्वेश्चन. एंड बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वेलबींग पे और बड़ा आप फोकस करो. लेट योर वेलबींग योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बाकी सब तो चलता रहेगा. एंड हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि टू वाइंड अप माई इंटायर टॉक टू ऑल ऑफ यू. ये सिचुएशन है बड़ी मुश्किल. एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, आजकल मेरी स्टोरीज बड़ी फेमस हो रही हैं. बहुत से लोगों को लगता है सर स्टोरी सुनाओ बिना आप यू नो टॉक मत दिया करो. सो अनदर स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू, शायद इससे हौसला बने, हौसला मिले. मैंने जब 1996 में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया तो मेरे हाथ में एक किताब आई, और वो किताब थी स्टीवन कवे की, वेयर ही सेज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. एंड बड़ी भयंकर किताब थी, आप एक पेज पढ़ो तो आपको एक लाइन समझ में आती थी. उस समय 1996 की बात थी. तो उसमें एक स्टोरी थी जो उन्होंने अपने हिसाब से बताई है. मैं उस स्टोरी को बताता हूँ, फिर मैं उसको अपने हिसाब से आपको बताऊँ. तो स्टोरी एक है कि इन द ओशन देयर इज अ बैटल शिप. 1940s की स्टोरी है. तो बैटल शिप है, उनमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, रडार नहीं था, यू नो दे कुड नॉट जज द व्हीकल्स इन द शिप्स इन फ्रंट. तो रात का समय है, तूफान आ रहा है, एंड ये बैटल शिप है. तो कैप्टन बड़ा अलर्ट है बिकॉज तूफान है और बैटल शिप है, एंड दे आर वेरी कंसर्न अबाउट कोई एनिमी शिप ना आ जाए सामने से. तो तभी उनका स्टार बोर्ड से उनका एक सैनिक जो है, उनका जो एक नेवल ऑफिसर है, वो बोलता है सर दिस लाइट राइट अहेड. तो ये कैप्टन बोलता है कि देख भाई वो स्टेडी है या इट्स मूविंग लाइट. तो वो बोलता है थोड़ी देर बाद सर इट्स अ स्टेडी लाइट. तो स्टेडी का मतलब है कि अभी वो कोलिजन कोर्स पे आ गया, अभी ये शिप का उस शिप से कोलिजन हो जाएगा. तो ये कहता है जल्दी मैसेज भेज उसको, सेंड द मैसेज दैट दे शुड शिफ्ट 20 degrees. तो ये मैसेज टप 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 करके वो भेजता है, टैप मैसेज होता है. तो वहां से रिप्लाई आता है यू शिफ्ट 20 degrees. ये कैप्टन बड़ा गुस्सा आता है, कहता है तू मैं बोल रहा हूँ शिफ्ट कर, शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है. तो वो कहता है उसको बोलो कि दिस इज द कैप्टन स्पीकिंग, दिस इज कैप्टन हियर, यू शिफ्ट 20 degrees. तो वहां से आंसर आता है दिस इज सेकंड ऑफिसर ऑफ द नेवी स्पीकिंग, यू शिफ्ट 20 degrees. तो कहता है ये सेकंड ऑफिसर मुझे बोल रहा है, मैं कैप्टन हूं, मेरी बात नहीं सुन रहा है. कहता है उसको मैसेज भेज, We are a battleship. We'll destroy you. Send the message. तो टैप टैप करके मैसेज भेजता है, We are a battleship. वहां से रिप्लाई आता है, We are a lighthouse. So, वो आता है reply, We are a lighthouse. तो स्टीवन कवी उस बुक में बोलते हैं कि ये लाइटहाउस जो है ये शिफ्ट नहीं होता है, लाइट हाउस वहीं रहता है. वो बैटलशिप कितना भी भयंकर होने दो, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा. तो वो उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में बोला था कि लाइट हाउस मतलब आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो असूल हैं, आपके आदर्श हैं, वो आपके लाइट हाउस हैं, वो हिलने नहीं चाहिए.
तो मैं आपको आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप लाइट हाउस हो. इस समय सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है जो फेस कर रहे हो तो तूफान आ रहा है, तो तूफान की सब पूरी लहरें जो हैं वो आपको लाइट हाउस को थपड़े मार रही हैं, पानी ऊपर तक आ रहा है, आपको आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, आप लाइट हाउस हो. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वे, दिस इज व्हाट यू साइंड अप फॉर. ये हमने साइन अप किया जब हम लाइट हाउस बने, तो हमने कहा यार हम ये तूफान भी आएगा हम झेलेंगे. आपसे पूछा गया था भाई, थोड़ी ना आपसे कहा गया था कि लाइफ बिल्कुल ऐसी सामान्य रहेगी, आपकी लाइफ में कोई तूफान नहीं आएगा, पानी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा, सीगल्स आएंगी उड़ के वहां से, क्रेन्स आएंगी उड़ के आपके पास बैठेंगी, सब बिल्कुल सनशाइन होगा, शाइन होगा, सनसेट होगा, सनराइज होगा, आप दुनिया के सबसे अच्छी चीजें देखोगे उस लाइट हाउस से. ऐसा तो वादा नहीं था ना. तो वादा था कि आप लाइट हाउस बनोगे, और लाइट हाउस का मतलब है यू गॉट टू बी स्ट्रांग. उसमें तूफान भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे. तो मेरा आपसे ये कहना है कि एज लाइट हाउसेस लेट्स बी स्ट्रांग. और आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, और वो नहीं दिखेगा तूफान में, कभी नहीं दिखता आगे का. तूफान में सिर्फ अभी का दिखना चाहिए कि अभी हम क्या हो रहा है. तो देखो कहाँ लीकेजेस हो रही है, कहाँ से पानी अंदर चू रहा है, उसको ठीक करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं. लाइट जलती रहनी चाहिए, उसमें ऑयल भरते हैं, उसमें पावर डालते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो स्टिल बी द गाइडिंग लाइट टू सम अदर शिप्स अराउंड अस. और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने ट्राइब के लिए, जिस ट्राइब के लिए आप खड़े हो, चाहे वो आपका एंटरप्रेन्योर ट्राइब हो, चाहे आपका धर्म का ट्राइब हो, चाहे आपका सोसाइटी का ट्राइब हो, उसके लिए आप लाइट हाउस बन के रहिए. और जितने स्ट्रांग हम लाइट हाउस बनकर अभी रहेंगे, उतने लंबे समय तक हम लोग आगे शिप्स के लिए हम लोग एक पर्पस हम सर्व कर सकते हैं. तो मेरा आपसे ये कहना है. बाकी तो जिंदगी आपने जीनी है, आपने ही अपना जीना करना है, आपने ही अपना मरना करना है. मैं आपके बदले ना जी सकता हूँ, ना मैं आपके बदले मर सकता हूँ. राइट, सेम इज द केस फॉर यू. आप भी मेरी जगह ना जी सकते हो ना मर सकते हो. तो हमने अपना जीना करना है तो अच्छे ढंग से करेंगे, और अच्छे ढंग से अगर जी लिए तो मरना भी अच्छे ढंग से होगा, ये मुझे लगता है. सो लेट अस बी स्ट्रांग लाइट हाउसेस फॉर आर सेल्स एंड फॉर ईच अदर. एंड ये समय भी निकलेगा, मैंने एक वीडियो में बोला था दिस टू शैल पास, ये भी समय निकल जाएगा. तो उस समय का वेट करते हैं अच्छे स्ट्रांग हाउस लाइट हाउस बन के. एंड मेरे आइए वेबिनार में आइए, एंड वुड लव टू हैव लॉट ऑफ यू देयर. एंड लुकिंग एट द बिजनेस साइड, हैंडल करेंगे बिजनेस को अच्छे ढंग से और ले जाएंगे. बाकी तो हमने अपना काम करना है, हमने अपनी मेहनत करनी है, हमने अपने कर्म करने, बाकी फिर वो करेगा. जब हम कुछ नहीं करते फिर सब उसको छोड़ देते, तो फिर वो भी कहता मैं क्यों करूँ. थोड़ा रामू है वो, रामू जिंदगी अच्छी कर दे. इज गॉड, ही विल ओनली हेल्प इफ वी आर विलिंग टू हेल्प आर सेल्स. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू टिल वी मीट अगेन. मेरे वीडियोज देखते रहिए यूट्यूब में. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी मोटिवेशन, ऑल दी इंस्पिरेशन. आप इंकरेज करते हो मुझे, आप मुझे कहते हो कि मैं आपको इंस्पायर करता हूँ, लेकिन आप लोगों के फीडबैक्स वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है. एंड कीप दम कमिंग, एंड टुगेदर विल मेक अ ग्रेट लाइफ. राइट, सो लव यू लॉट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई वुड नॉट से लव यू गेट लॉस्ट, दिस इज अ ओपन मीडियम, बट टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ. एंड फिर बोलता हूँ, 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाइएगा, दुनिया कुछ भी बोले. हमें देश के साथ रहना है, और एक ही मन, एक ही सोच, एक ही विचारधारा हमें लानी है, तभी हम इस देश से आगे देश को आगे ले जा पाएंगे. तब तक के लिए नमस्ते.